वेलकम टू रोस्ट एंड रिएक्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे पड़ोसी देश की नॉलेज की। उनके पास इतना ज्ञान है, हर बात पे अपना ज्ञान देते हैं। चाहे आप उनसे कुछ भी पूछ लो, वो उसके बारे में बकवास करेंगे और कहेंगे हम मुसलमान हैं, हम में जज्बा है, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम इनसे भी आगे निकल जाएंगे। और कैसे करेंगे, तो उनका जवाब ये होता है ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये चोर लुटेरों की गवर्नमेंट है, इमरान खान आएगा तो ये अमेरिका को भी पीछे कर देंगे और अपना पिछवाड़ा चिनिमिनी को दे देंगे। अगर बात की जाए भारत की, तो जैसे उनका खून खोल जाता है, उनके अंदर का आतंकवादी जाग जाता है और चाहे मन से या रिपोर्टर के बहकावे में वो हमारी ज्यादातर बुराई करते हैं बिना फैक्ट के, सबूतों के। और ये जो हमारी तारीफें करते हैं, या तो वो भी यूट्यूबर होते हैं या पैड एक्टर होते हैं, जिसका खुलासा मैंने इन वीडियो में किया हुआ है, आगे भी करता रहूंगा, चाहे तो वो लोग मुझे जलने वाला समझे या उन लोगों में गिने जो कि 99% है, पाकिस्तान के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। ये हर बार इंडिया इंडिया बोलते रहेंगे और इंडिया के नाम पर मांगते रहेंगे। जहाँ पर हमारी गलती है वो हम मान लेंगे, पर अगर उल्टा सीधा या प्रोपोगंडा किया तो पहले जाओ। आगे हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे इंटेलिजेंट आइंस्टीन और न्यूटन से ज्यादा महान लोगों के पास 6 संस होती है, इनके पास 12 है। ये महापुरुष पाकिस्तान के फेकंडो का जीता जागता उदाहरण है। ये इतना फेकू है कि सारे फेकू इसके सामने फेल है। ये ऐसी बहकी बहकी बातें करेगा कि कई लोगों के मोबाइल की बैटरी ड्रेनेज हो जाए। इस बार भी इन्होंने एक ऐसी बात की है कि उनको मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा। तो चलिए रोस्ट एंड रिएक्ट। ऐसा लगा मेरा मजाक जी। तो दोस्तों ये थी वीडियो, ये अहमदाबाद से मुंबई सिटी के लिए जो है ये प्रोजेक्ट तैयार कर रही है बुलेट ट्रेन। ये 2 माह मेरे ख्याल से जो है इसको रोका भी गया था काम को, किलोमीटर जो है 100 किलोमीटर इसका सफर है, यानी कि अहमदाबाद से मुंबई है, अहमदाबाद गुजरात का, गुजरात यहाँ का। कैसा कैसा सबके सब जाहिल्स गधे YouTube पे वीडियो बना रहे हैं और अपनी जहालत भरी बातें यहाँ कर रहे हैं। खुद को पैंडू गांव से लेकर लाहौर का डिस्टेंस नहीं पता होगा, आ गए मुंह उठा के। गधों देख लो कितना डिस्टेंस है और मुंह से गू मत निकालो। ट्रेन जब चलाएंगे फिर वो वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर वो ट्रस की स्पीड, उसका इंजन, वो बिजली पे चलेगी या कोयले पे चलेगी या जिस तरह ऑयल पे करेगी, बाद ऑयल पे चलेगी, बाद बिजली पे चलेगी या कोयले पे चलेगी या जिस तरह ऑयल पे करेगी, बाद ऑयल पे चलेगी, बाद में नहीं याकूब, हम बुलेट ट्रेन न बिजली से चलाएंगे, न कोयले से, न आयल से। इस बार हम तुम्हारी टेक्नोलॉजी को चोरी करेंगे, हम इस बार तुम लोगों की नई आधुनिक लिफ्ट लेंगे। यहाँ से डायरेक्ट अमेरिका की ट्रेन चलाएंगे। पहले प्रेफरेंस रोड को देंगे, सारी गाड़ियों को गुजरने देंगे, बाद में ट्रेन चलाएंगे। You need to get my money, come on. This ain't no sweet life, I'ma need to get my bread and no song. You want ID and your Da Vinci and your shirts be long. But in real life, you broke it in a Paul George fibula bone. I know you gon' pay me when the time's right. But the time is now, I'm finna knock out your lights. Got you thinking, shoulda never tweaked on me twice. And had you curving up that hill just like a turnpike. तुम्हारी नई टेक्नोलॉजी वाली जमीन और पानी पे चलने वाली ट्रेन लेंगे। We'll be right back.
साथ ही साथ तुम्हारी मैन पावर पे चलने वाली ट्रेन के हम अपनी जो ट्रेन का सिस्टम वो अब अगले लेवल के ऊपर लेके जाएं और ये हम और उसके अलावा हॉर्स पावर वाली सुपर ट्रेन भी लेंगे। छोड़ो बुलेट ट्रेन जिसका हमको पता ही नहीं कैसे चलेगी। अभी तक तो जमीन पे चल रही है ना, जो जमीन पे चल उधर भी तो नहीं। मेट्रो स्टार्ट की है लाहौर में, लेकिन मेट्रो है रावलपिंडी, रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद, कराची है, लाहौर है, लाहौर में है वो मेट्रो चल रही है, लेकिन शहर के अंदर ही सब चल रही है। इतना 150 किलोमीटर लंबी कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। लगता है याकूब आज सस्ता वाला नशा करके बैठा है। जाहिलों को ट्रेन और बस में फर्क ही नहीं पता है। जाहिलों ये देखो, लाहौर के अलावा सब जगह बस है, जिसको तुम मेट्रो बोल रहे हो। ट्रेन का मतलब पटरी पे चलने वाला वाहन होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।